हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेज, माय हिंदी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि एक ही विंडोज़ कंप्यूटर पर एक साथ दो या तीन विंडोज़ को कैसे यूज करें। तो दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर पर विंडोज़ 7 यूज करते हैं और चाहते हैं कि विंडोज़ 7 के साथ साथ आप विंडोज़ 8 या फिर विंडोज़ 10 को आप यूज करेंगे, तो दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर के साथ मल्टीपल विंडोज़ यूज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह का कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह का आपका डाटा लॉस दोस्तों नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। तो दोस्तों, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वर्चुअल बॉक्स के ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये वीडियो है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना, इसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, उस वीडियो में मैंने इंस्टॉल प्रोसेस भी बता दिया है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपका सामने वर्चुअल बॉक्स कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्लिक करना होगा न्यू पर, तो न्यू पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर पर विंडोज़ 10 इंस्टॉल है और मैं अभी आपको विंडोज़ 7 इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों, इधर आपको टाइप करना होगा अपना विंडोज़ नेम, जो विंडोज़ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP, आप कोई भी दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप अभी विंडोज़ 7 यूज करना करते हैं और चाहते हैं कि विंडोज़ 10 यूज करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको ISO फाइल की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, ISO फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप नेम के जगह विंडोज़ 7 डाल दीजिए, टाइप से आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिलेक्ट कर लीजिए और वर्सन से दोस्तों विंडोज़ 7, 32 या फिर 64, जो आपके ISO फाइल का वर्सन दोस्तों आपको वो सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक वर्चुअल मेमोरी साइज सिलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों डिफ़ॉल्ट दोस्तों इतना सिलेक्ट हुआ है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं आपके हिसाब से। उसके बाद दोस्तों सिंपली नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली क्रिएट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों डायनेमिकली अलाउ जो ऑल लोकल है दोस्तों, इस पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक मेमोरी साइज सिलेक्ट करना होगा हार्ड डिस्क का, ठीक है। तो आप इधर से कोई भी एक साइज, इधर 25 GB है दोस्तों, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो जो था दोस्तों, मैं वही इधर सिलेक्ट करके रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्रिएट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। क्रिएट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इधर एक विंडोज 7 का दोस्तों फाइल आ गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, आपके पास एक विंडोज 7 का या फिर जो विंडोज़ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दोस्तों उसका ISO फाइल आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ISO फाइल नहीं है तो विंडोज 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 का ISO फाइल का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई DVD है तो आप उससे भी ISO फाइल बनाकर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको क्लिक करना होगा विंडोज 7 या फिर जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैंने इस स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दिया है। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी दोस्तों आपको क्लिक करना होगा, इधर से आपको एक आपका जो ISO फाइल है दोस्तों आपको वो सिलेक्ट करना होगा। तो आपके कंप्यूटर पर जिस जगह आपका ISO फाइल है, जो विंडोज़ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, फिलहाल तो मैं विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो मेरा विंडोज 7 का जो ISO फाइल है दोस्तों वो जिस जगह है, मैं उस जगह से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप भी सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों मैंने विंडोज 7 का ISO फाइल दोस्तों सिलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जिसका साइज है 3.54 GB, ठीक है। तो आप जो विंडोज सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जब भी आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपका सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, विंडोज़ इधर थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। दोस्तों देखिए प्रोसेसिंग चल रहा है, इधर दोस्तों कुछ अगर मैसेज आता है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह दोस्तों विंडोज़ का दोस्तों सेटअप ऑप्शन आ गया है। अभी दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली जैसे विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करते हैं उस तरह आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको सेटअप होने में टाइम लगेगा। तो जैसे दोस्तों विंडोज 7 इंस्टॉल होता है आपको उसी तरह का प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आप जो विंडोज़ आपका है वो आप इधर से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली जो करना होगा दोस्तों वो है कि आपका जो विंडोज़ है दोस्तों वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इधर से एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद इधर से आपको कस्टम सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो ड्राइव है दोस्तों इसको दोस्तों आपको
पार्टीशन कर लेना होगा, ठीक है। अगर पार्टीशन करने के लिए आप डरिए मत कि आपका हार्ड डिस्क जो है वो पार्टीशन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सॉफ्टवेयर खुद एक पार्टीशन मांगेगा जो आपके हार्ड डिस्क के साथ कोई दोस्तों इसका लेना देना नहीं है। तो आप न्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों जितना भी आप मेमोरी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरे जैसे एक पार्टीशन डिस्क दोस्तों इधर क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी आपको सिंपली इस ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद फॉर्मेट बटन पर क्लिक करके ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इसी ड्राइव को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो अभी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली दोस्तों अभी ये जो इंस्टॉल प्रोसेस है दोस्तों ये इंस्टॉल होगा। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों विंडोज 7 कैसे काम करते हैं, एक ही साथ विंडोज 7 और विंडोज 10। तो दोस्तों जब आपका विंडोज 7 या फिर आप जो इंस्टॉल कर रहे थे वो अगर इंस्टॉल कंप्लीट हो जाता है तो आपका सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो अभी आपको अपना नाम देना होगा, जो नाम आप देना चाहते हैं आपके पीसी का, ठीक है। नाम देने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं तो पासवर्ड दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास प्रोडक्ट की है, आप जो विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप स्किप बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप आस्क मी लेटर बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप इधर से आपका जो टाइम जो है दोस्तों वो इधर से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो जो आपका टाइम जोन है दोस्तों वही आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना होगा। तो ये दोस्तों हमारा जो है दोस्तों वो है दोस्तों ये चेन्नई कोलकाता मुंबई वाला जो है दोस्तों UTC, ठीक है। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना होगा, तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप नेटवर्क इधर से पब्लिक नेटवर्क सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो है दोस्तों जो विंडोज़ आप इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि मैं आपको अभी विंडोज 7 दिखा रहा हूँ, तो आप जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो दोस्तों आपके सामने इस तरह का दोस्तों ओपन हो जाएगा। तो अगर आप विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके सामने कुछ इस तरह का ही ऑप्शन दोस्तों आएगा वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों आपका जो डेस्कटॉप है दोस्तों वो अभी प्रिपेयरिंग हो रहा है। तो देख सकते हैं जब विंडोज कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉल होना, मैंने तो विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहा था, देखिए दोस्तों मेरा विंडोज 7 दोस्तों बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी मैं ये जो सॉफ्टवेयर है इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इस तरह आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप फुल स्क्रीन करेंगे तो व्यू पर क्लिक करके फुल स्क्रीन पर क्लिक करके स्विच कर दीजिए, आपका जो स्क्रीन है दोस्तों वो फुल दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने विंडोज़ को दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं दोनों विंडोज़ को। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको आप बार बार यूज करेंगे तो आपको सिंपली इधर से क्लोज कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको सेव दी मैसेज स्टेट्स इधर से आपको इसको सेव कर लेना होगा, ताकि दोस्तों जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को दोस्तों ओपन करते हैं ये जो वर्चुअल मैसेज, ठीक है, तो आप इसको अगर ओपन करते हैं तो दोस्तों जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा आपका विंडोज 7। तो दोस्तों आपका विंडोज 7 परमानेंटली सॉफ्टवेयर को दोस्तों अंदर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अभी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों मैं अभी विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ, और जब भी मैं चाहूँ विंडोज 7 को अपने कंप्यूटर पर दोस्तों यूज कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप विंडोज 8 भी यूज करेंगे तो सिंपली दोस्तों आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। न्यू पर क्लिक करना होगा, इधर आपको क्लिक करके विंडोज 8 टाइप करना होगा, ऑटोमेटिकली दोस्तों ये विंडोज का तो डिटेल्स दोस्तों आ जाएगा। आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, मेमोरी साइज ठीक करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करके जो कुछ ने आपने किया था वो सब कुछ आप इधर से सिलेक्ट करने के बाद आपका विंडोज 10 इधर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो प्रोसेस है दोस्तों आपको इस तरह इधर से आपका ड्राइव जो ISO फाइल है विंडोज 8 का वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप विंडोज 8 को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका विंडोज 7 पहले ही है, विंडोज 8 भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपके सिस्टम पर विंडोज 10 है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक साथ आप 3 विंडोज को यूज कर सकते हैं। चाहो तो आप दोस्तों न्यू पर क्लिक करके आप विंडोज XP को भी विंडोज XP को भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, ये भी दोस्तों सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। तो इस तरह दोस्तों आप जितना मर्जी आप विंडोज यूज कर सकते हैं एक ही साथ अपने एक ही PC पर। तो आप विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज XP और दोस्तों विंडोज 10 आपके PC पर दोस्तों ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है। तो आप एक साथ इतने सारे विंडोज को दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आप जब भी ये वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर को दोस्तों आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका जो विंडोज जो आपने इंस्टॉल किया था उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो सभी दोस्तों सेव होगा, ठीक है। तो आप सिंपली उसको रन करके आप विंडोज को यूज कर सकेंगे बिल्कुल विंडोज जो आपका जो कंप्यूटर पर जो विंडोज होता है दोस्तों बिल्कुल उसी तरह।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है और आपको समझ आ गया है, आपको पता चल गया है कि एक ही कंप्यूटर पर एक साथ 2, 3, 4 विंडोज कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।